बन गया है। पहले आप भी कांग्रेस और बीजेपी के चक्की में फंस गए थे, चक्की में। ये बीजेपी और कांग्रेस चक्की के दो पुड़ हैं। जो नीचे वाला पुड़ होता है चक्की का, वो घूमता नहीं है, ऊपर वाला घूमता है। गेहूं के दाने उसके बीच में होते हैं। अब उत्तराखंड में कांग्रेस वाला वोट जो है वो रुका है, नीचे बीजेपी वाला चल रहा है, और पब्लिक जो है वो गेहूं है, वो पिस रही है, बीच में पिस रही है, पिसती जा रही है, पिसती जा रही है। 5 साल बाद पब्लिक सोचती है बहुत ज्यादा चक्की है, जब तो पीसती जा रही है, इस बार चक्की पड़ जाएगी। चक्की पड़ देते तो कांग्रेस वाला घूमने लग रहा है। जनता तो बीच में रही, चक्की को जितना मर्जी पलट लो जनता तो बीच में रहेगी। लेकिन उस भगवान ने एक कमाल कर दिया, उसने अरविंद केजरीवाल को एक झाड़ू देकर भेज दिया कि चक्की के दोनों पुड़ों के बीच में से अपने झाड़ू से गेहूं के दाने निकाल लो और फिर निकल जाएगी बाहर। जैसे दिल्ली में निकली है ये चक्की के दोनों पुड़ खत्म। मैंने एक बार बुलाया और सब दौड़े चले आए। मैं वाकई हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मेरी टीम इतना अच्छा काम कर रही पूरी विधानसभा में। कहीं ना कहीं बहुत जोर लगाना पड़ता है इतने लोगों को इकट्ठा करने के लिए। मैंने सिर्फ एक आवाज लगाई और इतने मेरे साथी इकट्ठा हो गए। और साथ साथ मैं हमारे पंजाब से आए हुए भगवान मान जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं हमारी जो तराई है वहाँ किसानों के साथ वाकई बहुत जो सरकारें हैं, जो प्रेजेंट टाइम की सरकारें बड़ा गलत कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके आने से कुछ अलग जग सकती है उत्तराखंड के अंदर। मुझे लगता है कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव यहाँ पे होगा। तो मैं समय की थोड़ी पाबंदी है इसलिए ज्यादा ना बोलकर मैं जनार्दन भाई से कहूँगा आगे और लोगों को बोलने का मौका दें। धन्यवाद सबका एक बार और तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद कुलवंत भाई। मैं मंच पर मैं मुख्तार सिंह जी का भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और हमारे रोहिदास गंगवार जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। समय की कमी है, मैं अपने क्रांतिकारी नेता से कहना चाहूंगा, मैं श्री भगवंत मान जी से कहना चाहूंगा कि कृपया मंच पर आए। जनता बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। भगवंत मान जिंदाबाद। इच्छा इलाके के आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी सबका स्वागत है। और इस हलके के इस इलाके के सभी वॉलंटियर वर्कर साहबान और मेरे सामने बैठे एक ईमानदार राजनीति और एक प्रगतिशील राजनीति की इच्छा मन में लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए सभी जितने भी आप लोग कदम चल के आए हो, एक एक कदम हमारे सरमाथे पर। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई जुमले सुनाने नहीं आया हूं, मैं आपको कोई झूठे सपने दिखाने नहीं आया हूं, मैं आपसे दो चार बातें करने आया हूं। पहले आप मुझे टीवी पर नेताओं पर कटाक्ष करते हुए देखा करते थे, दफ्तर चैलेंज में जुगनू मस्त मस्त जब मेरी सीडीज वगैरह बहुत सुनी होंगी आप लोग,
उसमें भी मैं सिस्टम पर ही कटाक्ष करता था। आजकल आप मुझे लोकसभा में मोदी के साथ अक्सर बहस करते हुए देखते होंगे, क्योंकि मैं पूछता रहता हूं उनको कि बताइए मोदी जी अच्छे दिन कब आने वाले हैं, और अच्छे दिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि इतनी महंगाई के दिन आ गए, रसोई के खर्चे डबल से ज्यादा हो गए, पेट्रोल डीजल 100 से ज्यादा आंकड़ा पार कर गया। वही सरकार जो ये बोल के आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार अब वही सबसे ज्यादा महंगाई कर रहे हैं, और महंगाई को जस्टिफाई कर रहे हैं कि बिल्कुल सही हमने किया है फैसला, क्योंकि देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए तो आपके पास चलाने के लिए क्या बचा है मोदी साहब? एयरपोर्ट आपने बेच लिए, जहाज आपने बेच लिए, रेलवे आपने बेच लिया, भेल आपने बेच दी, LIC आपने बेच दी, और क्या रह गया बेचने को? गलती हमारी है कि हमने चाय बेचने वाले को देश दिया, उसने देश बेच दिया। उनको चाय बेचनी आती है, वो भी तब जब वहां स्टेशन ही नहीं बना था। हर बात जुमला निकली, हर बात जुमला। कुलवंत जी आप मुझे बता रहे थे कि इच्छा में तो सभी लोगों के खाते में 15-15 लाख पहुंच चुके हैं। आ गया तो आप बता रहे थे हमारे यहां भी नहीं आएगा भी नहीं। मैंने पार्लियामेंट में कहा था, लोकसभा में मैंने बोला था के काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली, मोदी जी काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है कि चाय बनानी आती है, मुझे लगता वो भी नहीं आती होगी। मैडम बनाती है सर। सो इतने नफरत की राजनीति करते हैं, एक दूसरे से लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही करते रहते हैं। बस दिल्ली में मैं भी प्रचार कर रहा था, अरविंद जी प्रचार कर रहे थे, मनीष सिसोदिया जी प्रचार कर रहे थे, हम सब लोग बोल रहे थे दिल्ली के लोगों को अच्छे स्कूलों को और अच्छे करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक और खुलेंगे, इलाज फ्री करेंगे और अच्छे अस्पताल बनाएंगे, बिजली और सस्ती कर देंगे। हम ये बात कर रहे थे और बीजेपी वाले क्या कर रहे थे? शाहीन बाग, ये आतंकवादी, जो इलेक्शन के समय जिनको पाकिस्तान याद आ जाता है, देश में कोई घटना हो जाए ऐसी जिससे सरकार का नाक कटता हो तो ये मीडिया वाले जो है ना, गोदी मीडिया, ये क्या कहने लगते हैं पाकिस्तान में टमाटर 150 रुपए किलो हो गया, हमने क्या लेना यार वहां के टमाटर का, आप हमारे टमाटर का बताओ।
नहीं बताते, इधर उधर ध्यान बटाना है। तो ये नफरत की राजनीति करते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों ने बता दिया हम विकास की राजनीति करेंगे। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कैसे कर दिया, मोदी की जबरदस्त आंधी 2015 में और 2020 में आपने बीजेपी को दिल्ली में इतना बुरी तरह से कैसे हरा दिया। मैंने कहा बहुत सौखा तरीका है, आसान तरीका है। कहते कैसे, मैंने कहा जी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल। मैंने कहा कमल का फूल कहाँ उगता है, बोले कीचड़ में। मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है, बोले झाड़ू। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है, कहते कीचड़ की सफाई। उन्हें हमने कीचड़ की सफाई कर दी तो कमल का फूल उगे ही नहीं, वहां पे उगने नहीं दिया हमने। सफाई कर दो, ये झाड़ू से राजनीतिक सफाई करो। साढ़े 11 महीने हो गए दिल्ली की सरहदों पर किसान बैठे हैं, तीन काले कानून लेकर आए हैं उद्योगपतियों के लिए, जो कि हमारी जमीनों को छीन लेंगे, धीरे धीरे खेती पर कब्जा कर लेंगे, मंडी खत्म हो जाएगी, MSP खत्म हो जाएगी, किसान अपने खेत में ही मजदूर बन जाएगा। और किसान कह रहे हैं इनको वापस ले लो, कहते जी नहीं। अब जिसके लिए कानून बनाए हैं वो कह रहे हैं वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब कोई और है जिसको इन कानूनों का फायदा हो रहा है, वो है उद्योगपति। 700 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं वहां पे, 700 से ज्यादा सरहदों पर दिल्ली। एक ट्वीट नहीं किया मोदी ने, फ्रांस के राष्ट्रपति का कुत्ता मर जाए तो दुख व्यक्त करता है, इतना संवेदनहीन प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। तो दोस्तों उत्तराखंड में भी झाड़ू चलाओ, दिल्ली में एक बार झाड़ू चला, बाद में लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी को बुला दिया कि हमें चाहिए नहीं ये, बिल्कुल ऐसी उत्तराखंड में और पंजाब में होगा। एक बार झाड़ू चला ऐसी सफाई होगी कि ये दोनों आपको नजर नहीं आएंगे और आपको इनकी तरफ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आम आदमी जिंदाबाद, भगवंत मान जिंदाबाद। ये नफरत की राजनीति करते हैं, ये नफरत फैलाते हैं, हम प्यार की राजनीति करते हैं, हम दिल जीतते हैं। जब दिल जीतते हैं फिर चुनाव जीतते हैं, क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो दिलों पर राज जो करता है वो केजरीवाल है, जिसने राजनीति की दशा और दिशा बदल के रख दी किसानों के लिए। क्योंकि ये मिनी पंजाब है, ये एरिया जो है जसपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, खटीमा, ये सारा एरिया, ये सितारगंज, किछा, जितना भी एरिया है मिनी पंजाब बोलते हैं। पंजाबी बहुत बड़ी गिनती जिथे रहते हैं, समस्याएं बिल्कुल सेम है जो मेरे पंजाब में। गन्ना हमारे यहां भी उगता है पंजाब में, आपके यहां भी गन्ना होता है। चीनी मिल हमारे भी हैं, आपके भी हैं। चीनी मिल के सामने लंबी लंबी कतारें गन्ने की, ट्रॉलियों की, आपके भी लगती हैं, हमारे भी। और चीनी मिल पैसा आपको भी नहीं देते, पैसा हमें भी नहीं। और चीनी मिलों का मालिक 90% आपके भी नेता हैं, हमारे भी नेता हैं। 400 रुपए क्विंटल गन्ना की खरीद करेगी आम आदमी पार्टी 2022 में उत्तराखंड में, और 15 दिन के अंदर उसकी पेमेंट हो जाएगी। 5 आधुनिक तकनीक की चीनी मिले
मिलें लगाई जाएंगी और जो मिलें बंद होगी उनको अपग्रेड करके 90 दिनों के अंदर अंदर दोबारा चालू किया जाएगा। खुदा ना खास्ता, रब ना करे, बेमौसमी बरसात होती है, फसल खराब हो जाती है। दिल्ली की तर्ज पर 20,000 रुपए पर एकड़, यानी के 50,000 रुपए पर हेक्टेयर मुआवजा मिलेगा। और गोदावरी के पहले, गोदावरी गोदावरी ये बाद में होती रहेगी, लेकिन पहले जब फसल खराब हो गई तो पैसे मिलेंगे, ताकि उसकी कबीलदारी किसान की चलती रहे। और 24 घंटे बिजली मुफ्त, और 24 घंटे और पुराने बकाए माफ। तो ये कुछ कर्जा लेके नहीं करेंगे हम, जो कर्जा लेके हम कोई सहूलत देंगे, ये मुफ्त खोरी नहीं है। ये मीडिया खड़ा है, दिल्ली में हमने करके दिखाया, दिल्ली में बिजली पूरे देश से सस्ती है। 72% दिल्ली को जीरो बिल आता है बिजली का, 20,000 लीटर पानी फ्री है, इलाज बिल्कुल फ्री है, चाहे जितने मर्जी महंगे टेस्ट हो, ऑपरेशन हो, सब बिल्कुल फ्री है। लेकिन दिल्ली को कर्जा ही नहीं किया केजरीवाल ने, एक भी रुपया कर्जा नहीं लिया, बल्कि दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से बढ़ा के 60,000 करोड़ कर दिया। पैसा कहां से आया? ये भ्रष्टाचार रोका, ये जो लीकेज है पैसे की वो रोक दी। जो पुल, जो ओवरब्रिज 350 करोड़ में बनना था, उसको मॉडर्न तकनीक से नक्शा बना के 200 करोड़ में बना दिया, 150 करोड़ बच गया, 150 करोड़ से पूरी दिल्ली की दवाई फ्री कर दी। तो ये मुफ्त पूरी थोड़ी है। अगर लोगों के टैक्स के पैसे को आप लोगों पर ही लगाने लगोगे तो लोगों का विश्वास बनता है और लोग ईमानदारी से टैक्स देते हैं कि ये पैसा अस्पताल के रूप में, सड़क के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, मोहल्ला क्लिनिक के रूप में, स्कूल के रूप में हम पर ही वापस आएगा। इसलिए टैक्स लोग दिल्ली के ज्यादा देने लगे, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। सो मैं साढ़े पंजाबी भरा बहुत बैठे हैं, मैं उन्होंने भी यही कहना चाहना कि चंगे उम्मीदवार चुनो। पंजाब वाले तो पहले इनकलाबी ने, बागी ने, क्योंकि जब भी दिल्ली को लूटने के लिए आते थे उधर से, अफगान ईरान से राजा, तब सबसे पहले लड़ाई पंजाबियों को करनी पड़ती थी। एक बार दिल्ली जाते हुए, एक बार दिल्ली लूट के वो वापस जाते, था दो दो बार लड़ाई। तो हमारे खून में बगावत है, और आजादी की लड़ाई पंजाब ने, यूपी ने, बंगाल ने लड़ी। चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला, आशीष विद्यार्थी, भगत सिंह, करतार सिंह सराबा, सुभाष चंद्र बोस, मतलब ये सेंटर रहा है ये एरिया देश की जाति। तो जो बीजेपी वाले जो कहते हैं ना कि हम देशभक्त हैं, उनसे पूछिए कि आपका कोई बुजुर्ग जेल में गया, आपके किसी पुरखे ने देश के लिए कुर्बानी की? नो। ये 15 अगस्त को लाल किले पर जब झंडा फहराया जाता है, जब से मैंने होश संभाला मैं देखता हूं सुबह सुबह प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराता है, वही भाषण लिखा दिखाया रटा रखाया, महंगाई पर चिंता व्यक्त, बेरोजगारी पर थोड़ी और चिंता व्यक्त, आतंकवाद पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त। कहते जी चलो अपने अपने घर जाओ, ये था 15 अगस्त। मैं मेरे देश के वारिसों, अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे, कम से कम अगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकते भाषण को बदल लो यार।
बदलने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद बारी आ जाती है पांच साल बाद। जनता क्या करे, एक से दुखी होकर दूसरे के पास, दूसरे से दुखी होकर फिर पहले के पास जाए कहां। अब अल्टरनेटिव बन गया है, पहले आप भी कांग्रेस और बीजेपी के चक्की में फंस गए थे, चक्की में। ये बीजेपी और कांग्रेस चक्की के दो पुड़ हैं, जो नीचे वाला पुड़ होता है चक्की का वो घूमता नहीं, ऊपर वाला घूमता है। गेहूं के दाने उसके बीच में होते हैं। अब उत्तराखंड में कांग्रेस वाला पुड जो है वो रुका है, नीचे बीजेपी वाला चल रहा है, और पब्लिक जो है वो गेहूं है वो पिस रही है, बीच में पिस रही है, पिसती जा रही है, पिसती जा रही है। पांच साल बाद पब्लिक सोचती है बहुत जालिम चक्की है, ये तो पीसती जा रही है, इस बार चक्की पलट देंगे। चक्की पलट देते तो कांग्रेस वाला घूमने लगता है। जनता तो बीच में ही रही, चक्की को जिधर मर्जी पलट लो जनता तो बीच में रहेगी। लेकिन उस भगवान ने एक कमाल कर दिया, उसने अरविंद केजरीवाल को एक झाड़ू देकर भेज दिया कि चक्की के दोनों पुड़ों के बीच में से अपने झाड़ू से गेहूं के दाने निकाल लो, पब्लिक पब्लिक निकल जाएगी बाहर, जैसे दिल्ली में निकली है ये चक्की के दोनों पुड़ खत्म, ये दोनों पुड़ खत्म। कांग्रेस की हालत देखो, वैसे ये नीचे का लिखा है, वो पीछे नजर नहीं रहा। कांग्रेस की हालत देखो, देश की नेशनल पार्टी है कांग्रेस, देश की राजधानी में 2015 में कितनी सीटें आई उनको, जीरो। 2020 में कितनी सीटें आई, जीरो। इसका मतलब कांग्रेस ने अपनी पोजीशन बना के रखी हुई है, वो पहले भी जीरो थे अब भी जीरो, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। और बातें करते हैं बड़ी बड़ी, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आम आदमी पार्टी देश का फ्यूचर है, देश का भविष्य है। आम आदमी पार्टी आम लोगों में से निकली है, रामलीला ग्राउंड के आंदोलन में से निकली है, एंटी करप्शन आंदोलन में से निकली है, और आम आदमी पार्टी आम लोगों के बीच में रहती है। हमारे यहाँ में पंजाब में हम पहली बार लड़े, 20 सीटें आई विपक्ष में, पहली बार हुआ है पंजाब के इतिहास में कि कोई पार्टी पहली बार लड़े, कोई पार्टी पहली बार इलेक्शन लड़े तो पहली बार विपक्ष में आ जाए। और कौन जीते हैं, आम लोग जिनको कोई नहीं जानता था। इसलिए मैं कहता हूं कि आम लोगों को मौका दो, अपने जैसे लोगों को मौका दो, जो आपके दुखों को पहचानते हो, जानते हो। हेलीकॉप्टर वालों को आपके गरीब के चूल्हे की आग नजर नहीं आती कि बुझ गई या जल रही है, इसके लिए धरती पर आना पड़ता है। धरती पर आओ, बड़े बड़े नेताओं को धरती पर उतार लिया, ये जनता बहुत बड़ी है। लोकतंत्र में जनता, लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर, जब मर्जी उतार सकते। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, ईशा के लोगों का जिन्होंने इतना समय दिया। और एक बार फिर मैं कुलवंत जी का, जनार्दन जी का, सबका मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो कहते हैं ना हम भाग्यशाली हैं, मोदी जी की किस्मत में राज लिखा है, उनको मैं कहना चाहता हूँ, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मत यकीन कर अपने हाथ की लकीरों पर, मत यकीन कर अपने हाथ की लकीरों पर। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। तो ये लूटने लगे हुए हैं, देश को लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं, और ये भ्रष्टाचारी उनको बोल देना भगवंत मान आया था किसा में,
वो बोल के गया था कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यही रहे। गरीबों की बद्दुआएं मत लो, गरीब की बद्दुआ गरीब की हा, परमात्मा की दरगाह सीधा रास्ता होता है भाई साहब। तो गरीबों की बद्दुआ मत लो, चार जिंदगियां किसी के आपके साइन करने से, किसी की चूल्हे की आग जलती हो, किसी के घर में नौकरी मिलती हो, किसी के घर में खुशियां आती हो, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है और साथ रहेगी, किसानों के साथ खड़ी है, साथ रहेगी, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सड़क पे हो, हम सब जहां भी हमें मौका मिलेगा, हम जहां भी जुल्म होगा, गलत काम होगा, आम आदमी पार्टी उसका विरोध करेगी। दो नारे दोनों हाथ ऊपर करके लगाओ, इनकलाब। बहुत बहुत मेहरबानी, नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद। अभी हमारे इच्छा गुरुद्वारा कमेटी, गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी के हमारे जो अध्यक्ष और सदस्यगण हैं, हमारे नेता श्री भगवान कुणाल सिंह जी को स्वरूप भेंट करेंगे। अरे एक मिनट रुक जाओ।